माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन रविवार को माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की गई। नवरात्रि के दूसरे दिन महानगर के गोलघर स्थित काली मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। मंदिर में बिना मास्क लगाए श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे और देर शाम तक मंदिरों के बाहर भक्तों की लाइन लगी रही। वहीं मंदिरों में भक्तों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह अनुपालन कराया गया। सुबह से ही मंदिरों के सामने नारियल फूल माला की दुकानें सज गईं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं द्वारा जय माता दी की जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मंदिर के पुजारी संजय सैनी ने कहा, संजय सैनी महंत है। कम से कम 700-800 लोग बारी बारी करते हुए सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक तो आते ही रहेंगे। इतने लोग आ चुके हैं, हो सकता है इतना लोग और भी आ जाए। सर पुत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, अपनी भावना से आते हैं, अपने दुख दर्द दूर करने के लिए माता जी से मन्नत मानने आते हैं ताकि हमारा दुख दर्द दूर हो, माता रानी हमारी समस्याएं दूर करें, समाज का भी परिवार का भी सबका मान सम्मान बना रहे ख्याल करते हुए, इसीलिए लोग माँ के पास आते हैं।